Hello kids, welcome back. This is Mentor Neetu. We are doing Cyber Creators Computer Book by BrainRoot Class 3. So today we are doing Chapter 5, Editing a Document in Word 2021. Editing करेंगे हम document में. अब editing है क्या? So first we will understand it in this chapter. So in this chapter you will learn about editing a document and using the undo and redo commands. हम document को edit करेंगे और undo and redo commands use करेंगे. And before we begin this, label the figure given below. आपके पास एक computer screen given है जिसमें कुछ components missing हैं. You can write, you can try on your own. Okay, so now see, editing a document. Typing text, you may want to make some changes in the soft copy of your document. Making changes to the document is called editing. कई बार हम कुछ लिखते हैं, writing करते हैं अपनी copy में और हमें कुछ या add करना है या वो हमें कोई word अच्छा नहीं लग रहा है, उसको हम erase कर देंगे. Okay, अपनी writing अच्छी लग रही है, उसको थोड़ा सा और designing दे देंगे. So that is what? That is the editing. So for this, what to do? Selecting the text before performing any action like copying, moving, finding and replacing, deleting or formatting the text, you need to select the text. सबसे important step है हमारा text को select करना. आपने उसमें कुछ भी करना है, उसको copy करना है, move करवाना है, find करना है, search करना है, replace करना है, डिलीट करना है या उसकी फॉर्मेटिंग करनी है, कुछ भी करना है, आपको क्या करना है? सबसे पहले यू हैव टू सेलेक्ट द टेक्स्ट. द सेलेक्टेड टेक्स्ट इज डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन इन अ हाईलाइटेड मैनर. वो आपके पास हाईलाइट हो जाएगा स्क्रीन पर जो भी आपने सेलेक्ट किया है. सी लाइक दिस, अभी की पैराग्राफ है, इसको हमने सेलेक्ट किया तो ये हाईलाइट हो गया. फाइन. सो टू सेलेक्ट अ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट यू कैन यूज द सिलेक्शन एरिया विच इज द ब्लैंक एरिया इन द लेफ्ट मार्जिन ऑफ द डॉक्यूमेंट. यू कैन सेलेक्ट द टेक्स्ट इन डिफरेंट वेज. टू सेलेक्ट द ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट यू कैन यूज द सिलेक्शन एरिया. वो कौन सा एरिया है? विच इज द ब्लैंक एरिया इन द लेफ्ट मार्जिन ऑफ द डॉक्यूमेंट. यू कैन सेलेक्ट द टेक्स्ट इन डिफरेंट वे. सो सी हाउ. सो नाउ सेलेक्टिंग द टेक्स्ट यूजिंग अ माउस. लेट इज लर्न हाउ टू सेलेक्ट द टेक्स्ट यूजिंग द माउस इन द फॉलोइंग टेबल. सो टेक्स्ट टू सेलेक्ट एंड मेथड. जो हमें टेक्स्ट सेलेक्ट करना है उसका क्या मेथड है? सो द फर्स्ट वन इज वर्ड. डबल क्लिक ऑन द वर्ड. ओके, हम उस वर्ड पे डबल क्लिक कर देंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा. नाउ अ सेंटेंस. होल्ड डाउन द कंट्रोल की एंड क्लिक एनी वेयर ऑन द सेंटेंस. हमें कंट्रोल की को होल्ड डाउन करके रखना है एंड देन क्लिक कर देना है सेंटेंस पे कहीं पर भी. देन अ पैराग्राफ. ट्रिपल क्लिक एनी वेयर इन द पैराग्राफ और डबल क्लिक इन द लेफ्ट मार्जिन ऑफ द पैराग्राफ. हमने क्या करना है? पैराग्राफ पे ट्रिपल क्लिक करना है या फिर डबल क्लिक करना है पैराग्राफ के लेफ्ट मार्जिन पे. फाइन. देन अ लार्ज ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट. क्लिक एट द बिगिनिंग ऑफ द टेक्स्ट. प्रेस द शिफ्ट की एंड विदाउट रिलीजिंग इट क्लिक एट द एंड ऑफ द टेक्स्ट. हमने क्या करना है? सपोज हमें लार्ज ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है तो हमें बिगिनिंग पे उसके क्लिक करना है टेक्स्ट के एंड प्रेस द शिफ्ट की एंड विदाउट रिलीजिंग इट क्लिक एट द एंड ऑफ द टेक्स्ट और एंड पे जाके क्लिक कर देना है. देन एंटायर डॉक्यूमेंट. क्लिक एनी वेयर इन द सिलेक्शन एरिया वाइल होल्डिंग डाउन द कंट्रोल प्लस ए की और ट्रिपल क्लिक इन द सिलेक्शन एरिया. तो हमें कोई अगर एंटायर डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना है तो हमें सिलेक्शन एरिया पे क्लिक करना है,
बाय होल्डिंग डाउन द कंट्रोल प्लस ए और ट्रिपल क्लिक इन द सिलेक्शन एरिया. फाइन. नाउ सिलेक्टिंग द टेक्स्ट यूजिंग अ कीबोर्ड. अब हम कीबोर्ड की हेल्प से भी टेक्स्ट सिलेक्ट कर सकते हैं. फर्स्ट हमने किया था सिलेक्टिंग द टेक्स्ट यूजिंग अ माउस. अब हम करेंगे यूजिंग अ कीबोर्ड. यू कैन सेलेक्ट द टेक्स्ट ऑन अ डॉक्यूमेंट बाय यूजिंग द फॉलोइंग शॉर्टकट कीज. तो कौन सी कीज की हेल्प से हम कर सकते हैं. लेट स्टार्ट. टेक्स्ट टू सेलेक्ट एंड शॉर्टकट की. वन करेक्टर टू द लेफ्ट. अगर हमें लेफ्ट साइड पे वन करेक्टर करना है देन शिफ्ट प्लस दिस लेफ्ट एरो. ओके. एंड वन करेक्टर टू द राइट देन शिफ्ट प्लस राइट एरो. वन लाइन अप देन शिफ्ट प्लस अप एरो. वन लाइन डाउन शिफ्ट प्लस डाउन एरो. बिगिनिंग ऑफ द करंट लाइन शिफ्ट प्लस होम. बिगिनिंग ऑफ द करंट सो शिफ्ट प्लस होम. एंड ऑफ द करंट लाइन शिफ्ट प्लस एंड. ओके. बिगिनिंग के लिए होम और एंडिंग के लिए एंड. देन बिगिनिंग ऑफ द करंट डॉक्यूमेंट शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस होम. अगर डॉक्यूमेंट है तो शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस होम. एंड एंड ऑफ द करंट डॉक्यूमेंट शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एंड. ओके. आई होप इट्स क्लियर टू यू. नाउ इंसर्टिंग द टेक्स्ट. वर्ड अलाउ द यूजर्स टू एड न्यू टेक्स्ट टू एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट. प्लेस द कर्सर टू द राइट ऑफ द कैरेक्टर वेयर यू वॉन्ट टू इंसर्ट द टेक्स्ट एंड देन स्टार्ट टाइपिंग. द एग्जिस्टिंग टेक्स्ट विच इज प्रेजेंट आफ्टर द कर्सर विल बी शिफ्टेड टू द राइट साइड. आपने कुछ वर्ड सपोज आप भूल गए हैं उसको डालना, आप उसको इंसर्ट करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है, वहाँ पे जो भी वर्ड से पहले वहाँ पे आपने कर्सर को प्लेस कर दिया. ओके. व्हाट टू डू. प्लेस द कर्सर टू द राइट ऑफ द कैरेक्टर वेयर यू वांट टू इंसर्ट द टेक्स्ट एंड देन स्टार्ट टाइपिंग. जैसे यहाँ पे हम द लक इन दोनों के बीच में डालना चाहते हैं तो हम कर्सर को यहाँ पे ले आए. ओके. फिर हमने स्टार्ट टाइपिंग, तो हमने यहाँ पे टाइप क्या किया, मोर. राइट. तो ऑटोमेटिकली जो ये आपके पास लेटर्स हैं या वर्ड्स हैं ये शिफ्ट हो जाएंगे. जैसे आप अपने फ़ोन में भी देखते होंगे, पेरेंट्स के फ़ोन में भी, जैसे आजकल हम व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं, बीच में हमने कुछ इंसर्ट करना है तो हम उसको ईजिली कर सकते हैं. सो द सेम वे वी कैन सी ऑन द स्क्रीन, बिल्कुल वैसे ही वर्क होता है यहाँ पर. राइट. सो आई होप इट्स क्लियर टू यू. आपने वहाँ पर जाके कर्सर लेके आना है, वहाँ पे स्टार्ट टाइपिंग, तो ऑटोमेटिकली वो शिफ्ट हो जाएगा. राइट. नाउ मूविंग द टेक्स्ट. दिस फीचर इज यूज टू मूव द टेक्स्ट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल लोकेशन टू अ न्यू वन. हमने उसको मूव करवाना है एक न्यू लोकेशन पे. टू मूव द टेक्स्ट फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो. द फर्स्ट सेलेक्ट द टेक्स्ट यू वॉन्ट टू मूव एज शोन इन फिगर. सपोज एक हमारे पास ये कुछ लाइंस गिवन है, इसमें से हमने कुछ लाइन सेलेक्ट की जिसको हमें मूव करवाना है, तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया. देन क्लिक ऑन द कट बटन इन द क्लिप बोर्ड ग्रुप ऑन द होम टैब और प्रेस कंट्रोल प्लस एक्स. या तो हम शॉर्टकट की अपनाएंगे कंट्रोल प्लस एक्स, या फिर हम होम टैब पे क्लिप बोर्ड ग्रुप में कट बटन पे क्लिक करेंगे. ओके. राइट. तो आपके पास क्या आ जाएगा, द टेक्स्ट डिसअपीयर्स फ्रॉम द डॉक्यूमेंट एंड इज टेम्परेरली प्लेस्ड ऑन द क्लिपबोर्ड. तो ये जो टेक्स्ट है यहाँ से डिसअपीयर हो जाएगा और टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए क्लिपबोर्ड में चला जाएगा. देन पोजिशन द कर्सर एट द लोकेशन वेयर यू वॉन्ट टू प्लेस द सेलेक्टेड टेक्स्ट. फिर आप कर्सर को वहाँ पे पॉइंट कर दो जहाँ पे आपको उसको मूव करवाना है. राइट. टू वेज हैं, या तो पहले तो करना ही करना है, हमें टेक्स्ट को सिलेक्ट तो करना ही है. शॉर्टकट की है हम कंट्रोल प्लस एक्स कर दें और फिर कर्सर को पॉइंट करें जहाँ पर हमें उसे मूव करवाना है, या फिर हम क्या करें, होम टैब में क्लिप बोर्ड ग्रुप में कट बटन पे जाके क्लिक करें और उसके बाद
जो हमारा टेक्स्ट है वो स्टोर हो जाएगा क्लिपबोर्ड में, और फिर हम क्या करेंगे, कर्सर को मूव करा देंगे जहाँ पे हमें उसे प्लेस करना है। आई होप इट्स क्लियर टू यू। नाउ द नेक्स्ट इज द थर्ड स्टेप, क्लिक ऑन द पेस्ट बटन और प्रेस कंट्रोल प्लस वी, द सेलेक्टेड टेक्स्ट अपीयर्स एट द डिजायर्ड लोकेशन। वहाँ से तो हमने कट कर दिया, अब जहाँ पे प्लेस करना है उसके लिए हमें क्या करना है, क्लिक जहाँ पे हमने कर्सर पॉइंट किया है उसकी पोजीशन शो की, वहाँ पे हम क्लिक ऑन द पेस्ट बटन, और उसके बाद हम क्लिक ऑन द पेस्ट बटन और प्रेस कंट्रोल प्लस वी, ठीक है, कट एंड पेस्ट। द सिलेक्टेड टेक्स्ट अपीयर्स एट द डिजायर्ड लोकेशन। तो जो भी आपने सिलेक्ट किया था, जैसे हमने उसमें सेलेक्ट करके इसको नीचे प्लेस कर दिया। फाइन, सो एक्स्ट्रा बाइट्स, माइक्रोसॉफ्ट सर्च बॉक्स इज अ न्यू एडिशन इन ऑफिस 2021, इन ऑफिस 2019 इट वॉज नेम्ड एज टेल मी वॉट यू वॉन्ट टू डू। यूजिंग इट यू कैन सर्च फॉर एनी कमांड और टॉपिक, यू गेट द सर्च रिजल्ट एज पिक्चर्स, अदर वेबसाइट्स और एग्जिस्टिंग फाइल्स, राइट। नाउ कॉपिंग द टेक्स्ट, कॉपी एंड पेस्ट ऑप्शन आर यूज टू डुप्लीकेट द टेक्स्ट। अब हमें कोई कॉपी करना है तो उसके लिए हम कॉपी एंड पेस्ट ऑप्शन यूज करेंगे। यू कैन कॉपी द टेक्स्ट नॉट ओनली फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर विद इन अ डॉक्यूमेंट, बट ऑल्सो फ्रॉम वन डॉक्यूमेंट टू अनदर। दिस फीचर हेल्प्स इन रिड्यूसिंग योर टाइम एंड एफर्ट इन टाइपिंग। हमें सिर्फ कॉपी करना है, इससे क्या होगा, हमारा टाइम भी कम वेस्ट होगा, ओके, हमारा टाइम सेव हो जाएगा और हमें टाइपिंग भी नहीं करना पड़ेगा। सो द ओनली डिफरेंस बिटवीन कॉपी पेस्ट एंड कट पेस्ट फीचर इज दैट द कॉपी फीचर कॉपीज द टेक्स्ट बट डज नॉट रिमूव द टेक्स्ट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल प्लेस एज द कट फीचर डज। कॉपी में हम दूसरे प्लेस पे उसको कॉपी कर लेते हैं, लेकिन वहां से उसको हम कट नहीं करते, रिमूव नहीं करते, ओके, लेकिन हम कट में क्या करते हैं, उस पोजीशन से जहां पे डॉक्यूमेंट ऑलरेडी था वहां से उसको हटा देते हैं। फाइन, सो नाउ टू कॉपी एंड पेस्ट द टेक्स्ट फॉलो दीज स्टेप्स। द फर्स्ट वन, सेलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट टू कॉपी एज शोन इन फिगर। हमने क्या किया, टेक्स्ट को सिलेक्ट किया जिसे हमें कॉपी करना है, देन क्लिक ऑन द कॉपी बटन इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप ऑन द होम टैब, जैसे हमने कट में किया था, होम टैब में क्लिपबोर्ड ग्रुप में कॉपी बटन, फाइन, और कंट्रोल प्लस सी। अ कॉपी ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट इज प्लेस्ड ऑन द क्लिपबोर्ड, पोजीशन द कर्सर एट द डिजायर्ड प्लेस। वो कॉपी हो जाएगा क्लिपबोर्ड में, फिर हमें कर्सर को जहाँ पे उसको रखना है डॉक्यूमेंट को वहाँ पे प्लेस कर देना है। देन वी हैव टू क्लिक ऑन द पेस्ट बटन इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप ऑन द होम टैब और प्रेस कंट्रोल प्लस वी, द कॉपी टेक्स्ट अपीयर्स इट एज न्यू लोकेशन इन द डॉक्यूमेंट। जो कॉपी टेक्स्ट है वो आपके पास, देखो वो जो कॉपी हमने किया था यहाँ पे न्यू पोजीशन पे हमें सेम कॉपी हो गया, राइट। सो आई होप इट्स क्लियर टू यू। नाउ डिलीटिंग द टेक्स्ट, अब हमें कुछ डिलीट करना है। वर्ड प्रोवाइड्स द फैसिलिटी टू इरेज द टेक्स्ट, यू कैन डिलीट द टेक्स्ट इन द फॉलोइंग वेज। द फर्स्ट वन, सेलेक्ट द टेक्स्ट एंड प्रेस डिलीट की, द सिलेक्टेड टेक्स्ट विल बी रिमूव। सिंपल है, उसको सेलेक्ट करना है, जैसे इसको हमें हटाना है, इसको सेलेक्ट किया एंड देन प्रेस डिलीट, फाइन। नाउ यू कैन ऑल्सो डिलीट द टेक्स्ट बाय यूजिंग द बैक स्पेस की। आप इसको दूसरे टाइप से भी कर सकते हैं, बाय यूजिंग बैक स्पेस की से इट रिमूव्स द कैरेक्टर फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द कर्सर पोजीशन। सो नाउ द सेकेंड वन, यू कैन डिलीट द टेक्स्ट बाय यूजिंग द बैक स्पेस की। आप बैक स्पेस की हेल्प से भी डिलीट कर सकते हैं, इट रिमूव्स द कैरेक्टर फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द कर्सर पोजीशन। द थर्ड वन, To delete a block of the text, select the text and then press either delete key or the backspace key. Okay, हमने text को select किया और backspace key या फिर delete key को हम press कर सकते हैं. Fine, I hope it's clear to you. Now let us do
arrange the following steps of copying the text from one place to another in the correct order. अब हमें कुछ steps given है और हमें क्या करना है, copy करना है, तो कैसे करेंगे हम, क्या क्या steps follow करेंगे. तो first step क्या है हमारा, select the text that you want to copy. Okay, then what to do, click on copy option in the clipboard group on the home tab. फिर हम जाएंगे clipboard group में home tab पे and copy option पे click करेंगे. second step, and then position the cursor at the desired place, जहाँ पे हमें उसे copy करना है वहाँ पे हम cursor को set करेंगे. third step, and then click on the paste option in the clipboard group on the home tab. So this is the last step. Okay, I hope it's clear to you. Now using the undo and redo commands, you can easily cancel any change to restore the original text and implement the change in word by using the undo and redo commands. Hum inki help se kafi kuch kar sakte hain. So let's see what we can do. So undo command, its icon is given over here. Undo command ka aise icon given hai. This command cancels the last action performed to reverse one or more actions. Click on the undo button present on the quick access toolbar or undo group in the home tab. अगर हमें कोई last action अपना cancel करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, undo. और अगर हमें one or more actions को cancel करना है then what to do, click on the undo button present on the quick access toolbar या फिर undo group में जाएंगे home tab पे. Okay, now redo to reverse the action of the undo command. Undo command का उल्टा action हमें करना है. Click on the redo button present on the quick access toolbar. So there is hot tip given, the keyboard shortcut of undo option is control plus Z and redo option is control plus Y. Now computer manner, a computer mouse should be held properly, do not play with its wire or pull it because it can damage the mouse. Okay, handle it carefully. Now let us rewind. Making changes to a document is called editing. To perform any action like copy, moving, finding, replacing, deleting or formatting the text, you need to select the text first. You can select the text using the mouse or keyboard. You can insert data in an existing document. The cut and paste option are used to move the text from one place to another place. And the copy and paste option are used to duplicate the text. And the undo and redo commands are available on the quick access toolbar. I hope it's clear to you. Go through this chapter. Any problem, then we can discuss it. Now come to the exercise A part. Take the correct option, the first one. In which group you can find the cut, copy and paste buttons? That is clipboard. The second one, which key is used to delete a word from the right of the cursor? That is control plus delete. Okay. Then third one, the keyboard shortcut to select one character to the left is here. It is not given. So this is none of these. Then the fourth one, the keyboard shortcut of undo option is, undo option ke liye control plus Z, right? Now B, filling the blanks, the first one, before performing the copy operation you need to dash the text. Hame kya karna padega sabse pehle, we have to select the text. Kuch bhi karna hai, copy karna hai, cut karna hai, we have to select the text. The second one, dash option reverse the effect of the last command, that is undo. The third one, to select a word, dash on the word, double click. Uske liye hame kya karna padega, double click on the word. The fourth one, to select a paragraph, dash anywhere in the paragraph. Kya karna padega hame, triple click. Okay, aapko yaad rakhna hai,
what to do? Triple click. Now C part, write true or false for these statements. The first one, the delete key removes the character to the left of the cursor position. No, this is false. Backspace key, right? The second one, to select a sentence, hold down the shift key and click anywhere in the sentence. No, we have to hold down the control key. So this is also false. The redo command reverses the action of the undo command. Yes, this is true. And the fourth one, copy and paste option is used to duplicate the text. Yes, this is also true. Now D, answer these question. What do you mean by editing a document? अपने document को हमें change करना, अपनी soft copy में changes लाना, formatting करना, okay? That is the editing. The second one, what are the two methods for deleting text from a Word document? By delete key or by backspace, right? And the third one, write the use of the undo. Undo command से हम क्या कर सकते हैं? Write the use of the undo and redo commands. Undo command से हम अपना जो last action है उसको cancel कर सकते हैं, and redo command जो है हमारा undo command का जो action है उसको reverse कर देगा. Okay, and then the fourth one, आप इसकी keys भी लिख सकते हैं कि undo command किसकी help से होगा, control plus z से, and redo command किसकी help से होगा, you can write. Then differentiate between moving and copying the text. Moving means हमें कहीं से उसको प्लेस करना है किसी और पोजीशन पे, टेक्स्ट को मींस कट, ओके, कट पेस्ट. एंड कॉपी का मतलब क्या है? कॉपी एंड पेस्ट, ओके. तो दोनों में डिफरेंस है. कॉपी में क्या होगा, वो सेम हमारा उसमें रहेगा टेक्स्ट में, बट वो सेम हमारा कहीं और कॉपी हो जाएगा. लेकिन मूविंग में क्या होगा, वो अपने एक्चुअल स्पेस से हटके दूसरी पोजीशन में आ जाएगा. तो इसके लिए हम करेंगे कॉपी के लिए कंट्रोल प्लस सी या फिर कॉपी, और उसमें आप जाएंगे क्लिपबोर्ड ग्रुप में, होम टैब पे कॉपी बटन पे प्रेस करेंगे, और मूविंग के लिए आप होम टैब पे क्लिपबोर्ड ग्रुप में कट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद आप दोनों के लिए आपने पेस्ट ऑप्शन यूज़ करना है. फाइन, सो आई होप इट्स क्लियर टू यू. सो इट्स वेरी ईजी एंड इंटरेस्टिंग. डू प्रैक्टिकली, इट वुड बी मोर क्लियर टू यू. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. Stay connected with us till the next video. Have a nice day. Take care.